नरसिंहपुरा नव युवक मंडल मानक चौक लाल मंदिर राजवाड़ा एवं मानभद्र बाबा भक्तों के तत्वाधान में थार रोड स्थित कीमती गार्डन में भव्य गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव मनाया गया। आशीष जैन ने बताया कि गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव के अंतर्गत प्रातः 7 बजे श्री भक्तमर महामंडल विधान और श्रीमान भट्ट देव पूजन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान आचार्य यतीन्द्र सागर महाराज का पावन सानिध्य और आशीर्वाद भक्तों को मिला। प्रातः 9:30 बजे से विश्व शांति महायज्ञ किया गया और पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ सम्पन्न हुआ। किस तरह आप मनाते हैं, क्या क्या मुख्य रूप से यहाँ पर कार्यक्रम किए? आदिनाथ देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की इच्छा है। इस गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव के अंदर विगत कई वर्षों से नरसिंहपुर नायक मंडल गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव मनाता आया है। उस महोत्सव के अंतर्गत सुबह भक्तामा महामंडल विधान 7 बजे से प्रारंभ किया जाता है। उसमें कई सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आके इस धार्मिक आयोजन का धर्मलाभ लेते हैं। उसके तहत 50 जिस भी साधु इंदौर में चतुष्मा रहता है उन साधुओं का सानिध्य तकरीबन हर बार हमें मिलता है। कई वर्षों से आचार्य शिव सागर जी महाराज, सिद्धार्थ सागर जी महाराज, आज यतीन सागर जी महाराज, आचार्य श्री यतीन सागर जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका इतना वात्सल्य है कि उन्होंने एक जरा से ही बात पर हमारी बात को मान लिया और इस कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद जो हमें मिला इस कार्यक्रम में भव्यता को और 4 चांद लगाए। गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव नरसिंहपुर नायक मंडल हमेशा जिस तरह मनाता आया है, उसके बाद 9:30 बजे गुरुदेव के आशीर्वचन और उसके पश्चात उनके पाक प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, प्रवचन माला, उसके पश्चात हवन मानभद्र बाबा का जो माणक चौक लाल मंदिर राजवाड़ा पे जो स्थित मंदिर है, जो कि मन्नत पूर्ण करने वाला मानभद्र बाबा जो इस कार्यक्रम में उस गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव मानभद्र भक्ति महोत्सव के रूप में मनाया गया। उसके पश्चात यहाँ पे हजारों की तादाद में जो भोजन प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है ये निरंतर कई वर्षों चला आ रहा है और आचार्य श्री यतीन सागर जी महाराज का जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और इसकी प्रेरणा हमारे गुरु परम पूज्य डॉक्टर 108 गुरु मुनि प्रणाम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और प्रेरणा से इस कार्यक्रम को कई वर्षों से निरंतर चलाते आ रहे हैं। नरसिंहपुर नायक मंडल, सकल दिगंबर जैन समाज, पुलक जैन चेतना मंच, समस्त जैन समाज, सितंबर दिगंबर, सभी तरह के जहाँ पे जैन यहाँ पे आके इस कार्यक्रम में सहभागिता और अपना सहयोग प्रदान करते हैं और हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद आशीर्वचन लेके इस कार्य को पूर्ण करते हैं। नरसिंहपुर नायक मंडल हमेशा इस कार्य को करता रहेगा। 11 बजे श्री 1008 आदिनाथ और श्री मानभद्र बाबा की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मानभद्र बाबा के भक्त उपस्थित थे। प्रोग्राम किए जाते गुरु पूर्णिमा भक्ति महोत्सव में हमारा विशेष जो आयोजन यहाँ पे रहता है जिसमें भक्तामर महामंडल विधान जो होता है वो हम लोग आयोजित करते हैं। उसके बाद श्री मानभद्र बाबा का जो है पूजन और हवन हम यहाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी ग्रुप की ये है, हम लोग जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उसी दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें हजारों हजार लोग आके यहाँ पे इसमें पुण्यार्जन अपना सतन मन धन से सहयोग देके इसमें पुण्यार्जन करते हैं। लगभग कितना जैन समुदाय यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? इसमें 8 से 10 हज़ार जो है जैन समुदाय इसमें आता है और सभी अपना पुण्यशाली लोग पधार कर इसमें सहभागी बनते हैं। मैं दिलीप जैन, आज आचार्य श्री यतीन सागर जी महाराज का हमें परम सानिध्य मिला, हम उनके प्रति कोटि कोटि धन्य हैं। आशीष जैन, दिलीप जैन, ऋषभ जैन, मनीष जैन, मयूर जैन, महावीर जैन ने बताया कि परम पूज्य आचार्य 108 श्री शिव सागर महाराज के पावन आशीर्वाद और परम पूज्य डॉक्टर मुनि 1008 श्री प्रणाम सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से लगभग 10,000 से अधिक भक्तों ने महाप्रसादी का आनंद लिया। गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे जैसा कि इंदौर शहर आयोजनों का शहर माना जाता है, हर दिन आयोजन इस शहर में होते रहते हैं, मगर ये एक ऐसा आयोजन है जिसका इंतज़ार पूरे साल भर जैन समाज के साथ अदर समाज भी करता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना वात्सल्य और इतना आशीर्वाद भक्तों को मिलता है कि वो साल भर इस आशीर्वाद के साथ अपने आप को तरोताज़ा और एक बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। नव युवक मंडल मानभद्र बाबा परिवार लाल मंदिर राजवाड़ा के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों द्वारा, खासतौर में आशीष जी जैन, उनके पुत्र ऋषभ जी जैन के द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन विगत कई वर्षों से लगातार पश्चिम क्षेत्र में होता आ रहा है। इस आयोजन में लगभग 10 से 15 हज़ार लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं।
प्रसादी भी बिल्कुल VIP तरीके से लोगों को परोसी जाती है, जिसमें 3 से 4 प्रकार की मिठाई, 2-3 प्रकार के नमकीन, यानी कि तृप्त होकर आदमी यहाँ से जाता है, प्रभु का आशीर्वाद लेता है, मानभद्र बाबा का आशीर्वाद लेता है, साथ ही प्रसाद ग्रहण यहाँ पर करता है। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम इंदौर ही नहीं पूरे देश में एक प्रसिद्धि हासिल कर चुका है।